एक ऐसी लड़की जो बिल्ली की तरह रहकर अपनी जिंदगी बिताती है, आखिर क्यों? और आयरन मैन की कॉस्ट्यूम पहनी हुई ये महिला कौन है? कहीं ये आयरन वुमन तो नहीं? और क्या आपने शराब का कुआं देखा है? आज देखेंगे जनाब, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी मानी जाने वाली क्लियोपाट्रा असल में कितनी खूबसूरत है? आज हम आपको इस रानी की तस्वीर भी दिखाएंगे। और क्या आपको ये बात मालूम है कि मगरमच्छ पत्थरों को क्यों खाते हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारी आज के इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर वन, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसी लड़की है जो खुद को इंसान नहीं बल्कि बिल्ली समझती है। खुद को बिल्ली समझने वाली इस लड़की का नाम है नैनो। अकॉर्डिंग टू नैनो, जब ये अपने टीनेज में थी तभी उसे एहसास हुआ कि वो एक्चुअल में एक बिल्ली है, लेकिन उसका जन्म इंसान के शरीर के साथ हो चुका है। इस एहसास के बाद से ही नैनो बिल्लियों की तरह रहना शुरू कर चुकी है। नैनो का दावा है कि इनका सेंस ऑफ स्मेल बाकी इंसानों से ज्यादा है और वो बिल्लियों की तरह अंधेरे में भी देख सकती है। यहाँ तक कि वो बिल्लियों की तरह कॉस्ट भी पहनती है और कई बार तो बिल्ली की तरह चलने भी लगती है। साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये लड़की एक बीमारी से ग्रसित है और अगर वो चाहे तो उसे इस बीमारी से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन नैनो बिल्लियों वाली जिंदगी से बाहर नहीं निकलना चाहती। नंबर टू, दोस्तों आपने पानी का कुआं तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने शराब का कुआं देखा है? शराब के इस कुएं की खोज ताज नगरी आगरा में की गई है। दरअसल पूरा मामला यह है कि आगरा के दो भाई इलीगल देसी शराब की तस्करी किया करते थे। शराब की पेटियों को छुपाने के लिए इन दोनों भाइयों ने अपने गांव में 40 फीट गहरा एक कुआं खोद रखा था। शराब की तस्करी करके इन दोनों ने खूब सारे पैसे कमाए, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मना सकती है। एक दिन माल ले जाते हुए इन दोनों भाइयों की गाड़ी को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। थाने में हुई खातिरदारी के बाद इन दोनों ने पुलिस के सामने सारे सच उगल दिए और इस तरह से शराब के इस कुएं का खुलासा हुआ। नंबर थ्री, इस महिला को आयरन मैन की कॉस्ट्यूम में देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि कहीं मार्वेल ने आयरन वुमन का कैरेक्टर तो डेवलप नहीं कर लिया है। वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आयरन मैन की कॉस्ट्यूम पहनी हुई ये महिला कौन है? इस महिला का नाम है इमली। ये कोई एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है। इमली आयरन मैन की बहुत बड़ी फैन है। आयरन मैन के प्रति इसकी दीवानगी की वजह से उन्होंने खुद ही अपने हाथों से 3D प्रिंटिंग की मदद से आयरन मैन के शानदार कॉस्ट्यूम को तैयार किया। एमिली के द्वारा बनाया गया ये कॉस्ट्यूम इतना शानदार है कि खुद आयरन मैन भी इसे देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। नंबर फोर, अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आप कोका कोला की बोतल से ही ऐसी रोशनी हासिल कर सकते हैं जैसी रोशनी एक LED बल्ब से निकलती है। आपको करना ये है कि एक कोका कोला की बोतल लेकर उसमें पानी डालना है और फिर उसमें कुछ मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर मिला देना है। इसके बाद इस बोतल को ऐसी जगह रखना है जहां इसे सूरज की रोशनी मिल सके। सूरज की रोशनी मिलते ही ये बोतल ग्लो करने लगेगी और इससे उतनी ही रोशनी मिलेगी जितने की एक LED बल्ब से मिलती है। नंबर फाइव, बचपन के दोस्त जिन्हें आमतौर पर हम लंगोटिया यार कहते हैं, जब हमारा बचपन ऐसे दोस्तों के साथ बीतता है तब हमें लगता है कि हमारी ये दोस्ती उम्र भर कायम रहेगी, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के 90% लोग बड़े होने के बाद अपने लंगोटिया यार के साथ कांटेक्ट में नहीं रह पाते। जिंदगी का सफर ऐसा होता है कि उन्हें ना चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग होना पड़ता है और फिर अलग रहते हुए ज्यादातर लोगों का अपने बचपन के दोस्त से कांटेक्ट भी खत्म हो जाता है। वैसे दोस्तों, क्या आप भी उन 90% लोगों में हैं जो अपने बचपन के दोस्त के साथ कांटेक्ट में नहीं, या फिर आप उन 10% लोगों में हैं जिनके बचपन की दोस्ती आज भी कायम है? कमेंट्स में बताएं। नंबर सिक्स, ये फैक्ट खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि वो अब अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ करने की उम्र उनकी निकल चुकी है। KFC के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जिस उम्र में दुनिया के 99% लोग रिटायर होकर घर पर बैठ जाते हैं, उस उम्र में कॉलोनल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत की। इसकी स्थापना के वक्त उनकी उम्र 65 साल की थी। KFC की शुरुआत के बाद उनकी किस्मत बदलनी शुरू हो गई और 88 साल की उम्र में कॉलोनल सैंडर्स बिलियनियर बने। अब जरा सोचो, जो इंसान 65 साल की उम्र में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करके बिलियनियर बन सकता है, तो आप 25 से 30 साल की उम्र में क्या कुछ नहीं कर सकते। नंबर सेवन, 69 BC में जन्म लेने वाली इजिप्ट की रानी क्लियोपाट्रा को इतिहास की सबसे खूबसूरत रानी माना जाता है। हजारों साल बीत जाने के बावजूद आज भी इनकी खूबसूरती के चर्चे होते हैं। अब जिस रानी की खूबसूरती के इतने चर्चे हो, तो आपका भी दिल करेगा कि काश मैं भी देख पाता कि वो कितनी खूबसूरत हैं। वैसे तो क्लियोपाट्रा की पत्थर की कुछ स्टेचूज मौजूद हैं, लेकिन उससे उनकी खूबसूरती को नहीं आंका जा सकता। तो फिर इनकी खूबसूरती को जांचने के लिए एक फोटोशॉप आर्टिस्ट ने क्लियोपाट्रा की इन्हीं स्टेचू की मदद से उनकी एक आधुनिक तस्वीर तैयार की। इस तस्वीर में इजिप्ट की इस रानी की खूबसूरती साफ साफ झलकती है। वाकई में ये रानी बेहद खूबसूरत थी। नंबर एट, दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मगरमच्छ मछली समेत दूसरे जीवों का शिकार करके उसे खाते
हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मगरमच्छ मांस खाने के अलावा पत्थर भी खाते हैं। मगरमच्छ पत्थर स्वाद के लिए या पेट भरने के लिए नहीं खाते, बल्कि शिकार पर जाने के लिए खाते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि जब मगरमच्छ को लंबे समय तक भरपेट खाना नहीं मिलता, तब उसका वजन कम होने लगता है। वजन कम होने के कारण शिकार की तलाश में समुद्र की ज्यादा गहराई में जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये पत्थर खाकर अपना वजन बढ़ाते हैं और फिर समुद्र की गहराई में जाकर शिकार करते हैं। इसके अलावा ये पत्थर मगरमच्छ को खाना पचाने में भी मदद करता है। ये पत्थर इनके पेट में सालों तक मौजूद रह सकता है और इन्हें कोई परेशानी भी नहीं होती। नंबर 9, मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मिट्टी में इनकी मात्रा कितनी होती है? वेल, पूरी पृथ्वी पर तो इनकी संख्या का अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है। तो हम पूरी पृथ्वी की मिट्टी को छोड़कर सिर्फ एक चम्मच मिट्टी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो क्या आप गैस कर सकते हो कि एक चम्मच मिट्टी में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते होंगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक चम्मच मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या हजार या लाख करोड़ में नहीं बल्कि अरबों में होती है। एक चम्मच मिट्टी में उतने ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने कि इस दुनिया में इंसान है, यानी कि एक चम्मच मिट्टी में 7 बिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।